नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ की एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं नकुल अरोरा और आज हम जुड़े हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, जो कि है कैसे प्राप्त करें अपना इनकम टैक्स का रिफंड। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही विशेष इशू है, इसीलिए इस पे हम एक पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं। हमारे पास इस इशू के लिए सबसे ज्यादा इंडिविजुअल क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि ये वो पैसा है जो उन्होंने टीडीएस के फॉर्म में या एडवांस टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को ओवर पे किया एज इनकम टैक्स, बट वो वाइल रिटर्न फाइलिंग असेस हुआ कि उनका कुछ बकाया पैसा सरकार की तरफ निकल रहा था। अब होता क्या है ऐसे में, ये विषय इतना गंभीर है कि कोविड 19 के समय जब सरकार को हमें लिक्विडिटी प्रदान करनी थी तो सरकार ने इशू किए इनकम टैक्स रिफंड्स एज क्विक एज पॉसिबल। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले पूरे साल में 14,632 करोड़ के रिफंड्स इनकम टैक्स के 15,81,906 असेसीज, ये बहुत बड़ा नंबर है, इन असेसीज को इतना रिफंड इशू किया गया। इतना गंभीर विषय है ये कि कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें तो 11,610 करोड़ रुपए 1,02,392 असेसीज को इशू किए गए। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसीलिए गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल थिंग्स जो की वो थी इनकम टैक्स के रिफंड्स को एक्सपेडेट करना। अब देखिए, जब से गवर्नमेंट ने इशू किया कि हम इनकम टैक्स के रिफंड्स को क्विकली प्रोसेस करेंगे, तो पहला फेज था 9 मई से लेकर 16 मई तक, जिसमें 2050 करोड़ के लगभग 37,531 असेसीज को इनकम टैक्स का रिफंड दिया गया और 867 करोड़ के लगभग रिफंड दिया गया कॉर्पोरेट टैक्स का 2878 असेसीज को। ये इशू 17th में से 21 मई यानी कि अगले चरण में जब हम इसके चले तो दिया गया इनकम टैक्स का 2672 करोड़ का रिफंड 1,22,764 असेसीज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इनकम टैक्स प्रोसेसिंग है। हमारी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है अगर टाइमली इनकम टैक्स का रिफंड हमारे पास आ जाए। देखिए, विषय को समझना जरूरी है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है या कोई भी इनकम टैक्स का रिफंड है, हमारे पास क्लाइंट्स जब आते हैं या आप लोग जब हमसे बात करने आते हैं हमारे ऑफिस में, तो आप लोग जनरली कहते हैं हमारा रिफंड आ नहीं रहा है, इसका रीजन चेक कीजिए। देखिए, कुछ प्रोफेशनल्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कई बार परेशान रहते हैं कि कैसे चेक करें कि इनकम टैक्स का रिफंड आया नहीं आया, और अगर नहीं भी आया तो हम एज प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पहली बात तो रिटर्न सबमिटेड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई स्टेप रहता है तो आपके एंड पे ही गलती है, उसे जाइए और सॉर्ट कर लीजिए। या तो इनकम टैक्स की रिटर्न को सबमिट कर दीजिए या फिर वेरीफाई कर दीजिए, जो भी चरण में आप अपने हैं। अगर ये दोनों चीजें हो चुकी हैं और फिर भी बहुत लंबे समय तक आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि असेसी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उसका रिफंड आए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको आज इसकी एक युक्ति बता देता हूं। आपको सिर्फ एक ग्रीवियांस रेज करना है। ग्रीवियांस ऐसे ही रेज नहीं करना, पहली बात तो आप पहले चेक कीजिए कि आपकी रिटर्न का स्टेटस क्या है। उसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, लॉग इन कीजिए, माय अकाउंट में जाकर माय रिटर्न एंड फॉर्म्स में सबमिटेड रिटर्न्स में चेक कीजिए कि आपकी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस अभी इस समय क्या है। उसके बाद आप ग्रीवियांस कैसे रेज करेंगे, देखिए करना क्या है, आपको साइट पे ही जाना है, लॉग इन करना है, ई निवारण में जाकर सबमिट कीजिए ग्रीवियांस का जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी रिटर्न की फाइलिंग, आपकी डेट ऑफ फाइलिंग, आपकी सबमिशन, उसको उसके साथ अटैच कर दीजिए और आप अपनी ग्रीवियंस रेज कीजिए। और वहीं पे आप टाइमली अपने ग्रीवियंस का भी स्टेटस चेक करते रहिए कि ग्रीवियांस कहां तक प्रोसेस हुई, इसी से इंश्योर होगा कि आपका रिफंड आ जाए। अब आई एम श्योर आपको सवाल आ चुका है कि वो कौन सा टाइम है जहां हमें पता चलेगा कि स्टैंडर्ड टाइम पास हो चुका है और अब हम ग्रीवियांस रेज कर सकते हैं। देखिए, ग्रीवियांस तो आप पहले दिन भी रेज कर दीजिए, बट आपको समझना होगा एक स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए जो लगता है। अगर वो टाइम अभी बीता नहीं है तो हम क्या करें, देखिए स्टैंडर्ड टाइम को समझिए। स्टैंडर्ड टाइम दो तरह से बांट लीजिए, एक तो अगर आपका रिफंड का जो अमाउंट है वो 1 लाख से नीचे नीचे वाला है,
या 1 लाख से ऊपर वाला है। अगर 1 लाख के नीचे या 1 लाख रुपए एग्जैक्टली है तो 30 से 45 दिन लगभग गवर्नमेंट को लगते हैं आपका रिटर्न प्रोसेस करके, आपको रिफंड पे करने में, फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर रिटर्न। ध्यान रखिएगा वेरिफिकेशन का डेट, नॉट द सबमिशन। वेरीफाई जब होती है उसी के बाद गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी। 30 से 45 दिन में अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो क्या करा जाए? देखिए, तब अगले स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे। अगला स्टेप जो रहेगा वो होगा ग्रीवियांस रेस करना, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब बात कर लेते हैं हम अगर 1 लाख से ऊपर के रिफंड्स हैं आपके। देखिए, वहां पर टाइमलाइन थोड़ी चेंज होती है, लगभग 6 महीने से 1 साल का वक्त लग जाता है आपका रिफंड इशू करने में। बट आप 6 महीना इंतजार करके ग्रीवियांस रेज कीजिए कि मेरा रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है, या प्रोसेस होने के बावजूद रिफंड इशू नहीं हुआ है। जो दो इश्यूज इनकम टैक्स के हैं वहां पर आप गवर्नमेंट पे ग्रीवियांस रेज कीजिए। जो दो इश्यूज अपने साइड हैं, सबमिटेड या वेरीफाइड, वहां पहले अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लीजिए। इन केस आप चाहते हैं कि आप एओ से मिलकर इस बारे में एक चर्चा करें, या एओ से आप जाकर बात करें कि रिटर्न प्रोसेस क्यों नहीं हुई है या रिफंड पे क्यों नहीं हुआ है, आप जाइए अपने पैन कार्ड नंबर के साथ इनकम टैक्स की साइट पर लोकेट योर एओ के ऑप्शन पे जाकर असेसिंग ऑफिसर को लोकेट कीजिए, और आप जाके अपने असेसिंग ऑफिसर से मिलिए और सोल्यूशन आपके पास होगा। इस पूरे प्रोसेस में, ग्रीवियांस रेज करने में या एओ से मिलने में, अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया एक प्रोफेशनल को हायर करके ही उसकी सेवाओं का लाभ उठाइए। उसकी प्रोफेशनल फीस के साथ आपको वो इंश्योर करके देगा कि आपके जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली मेट हैं। हमारा क्लाइंट हमारे पास आएगा तो हम उसको उसी तरीके से डील करेंगे। ऐसे ही जब आप अपने प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो आपका रिफंड एक्सपीडेट कराने के लिए, चाहे वो ग्रीवियंस रेज करके हो चाहे एओ से मिलकर हो, वो उसे भली भांति तरीके से बहुत ही प्रॉपरली इश्यू कराएगा। ये रहा इनकम टैक्स का रिफंड ना आने की स्थिति में फॉलो किया जाने वाला प्रोसेस। आप जुड़े रहिए टैक्स फॉर वेल्थ के साथ, ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर हम आपके पास जल्द ही आएंगे और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान हमेशा रखेंगे। मैं हूं सीएन अकुल अरोरा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय।